जिस परमात्मा को हम चारों ओर ढूंढ रहे हैं, वो मन जब लक्ष्य में लग जाएगा तो वो उर में मिल जाएगा, हृदय में मिल जाएगा। यही अर्थ है लक्ष्मण और उर्मिला का। और जब वो परमात्मा हृदय में मिल जाएगा तब नाम आएगा भरत, और भरत की पत्नी का नाम है मांडवी। माँ की तरह पूरे ब्रह्मांड को भरने वाली किससे? बोले राम, राम प्रेम से। भरत का काम है मांडवी के साथ में मिलकर के सबके हृदय में राम के प्रेम को भर देना। और जब हृदय में राम प्रेम भर जाएगा तो राम की पत्नी का नाम है सीता, यानी जीवन में शीतलता आ जाएगी, शांति आ जाएगी। मेरे भाई, ये चारों लालाओं का और उनकी पत्नियों के नाम का अर्थ माता अरुंधति ने बताया। जो आनंद सिंधु सुख परमात्मा आनंद का सिंधु है, और आप और हम क्या हैं? उस आनंद सिंधु के छोटे से बिंदु हैं। और सजनों, हम आनंद के सिंधु के बिंदु हैं, इसलिए उस आनंद सिंधु से मिलने के लिए तड़फ रहे हैं। हर आदमी तड़फ रहा है। ऐसा दुनिया में कौन है जो आनंद नहीं चाहता होगा? हा? हर आदमी सुख चाहता है, हर आदमी आनंद चाहता है, लेकिन मिलता नहीं है, वो अलग बात है। हा? चाहते तो सुखी है ना। हमने विवाह किया किस लिए? सुख मिलेगा, मिला क्या? और मुश्किल हो गई। क्यों? जब विवाह नहीं किया था तो कहीं घूमते थे, कहीं फिरते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। और महाराज, विवाह करने के बाद में शाम को 7 बजते ही फोन आ जाता है, कहां हो? अभी तक घर नहीं आए। अकेले थे तो कोई नहीं बोलता था। और महाराज, जब से विवाह किया तब से ऐसा बंधन हो गया कि रोज शाम को फोन आ जाता है, कहां हो? आज तो बहुत देर कर दी, जाओ तो टोका टोकीर, आओ तो टोका टोकीर, हर बात पे टोका टोकी शुरू हो गई। और तब महाराज दिमाग खराब हुआ, तब सोचा चलो कोई बात नहीं है, ये तो जैसी आ गई वैसी आ गई, अब जब बच्चे पैदा होंगे तब ठीक है, सेवा करने वाले आ जाएंगे। बच्चे पैदा किए कि सुख मिलेगा, पर मिला क्या? हा? कोई कहता है कापी लाओ, कोई कहता है पेन लाओ, कोई कहता है महाराज पेंसिल लाओ, कोई कहता है रबड़ लाओ। माथा खराब हो जाता है, यार क्या क्या लाएं, सब कहां प्रपंच में पड़ गए। कोई च्या करता है, कोई म्या करता है, कोई प्या करता है। मन में सोचते हैं भाई फंस तो गए, चलो कोई बात नहीं, बड़े होंगे, बहुएं आएंगी, सेवा करेगी, पैर दबाएगी। आशा के साथ में जीवित हैं, सुख के लिए भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं। बच्चे बड़े हुए, विवाह हुआ, बहू आई, पर बहू ने पैर तो नहीं दबाए, सीधा गला दबाने के लिए पहुंच गई महाराज वो तो। तब सासू के आंसू आने लगे, हाय रे भगवान, हमने तो क्या सोचा था, क्या निकली। काम हमने सुख के लिए किए, लेकिन मिला हमें दुख। हम सुख के लिए काम क्यों करते हैं? क्योंकि हम आनंद सिंधु के बिंदु हैं, और आनंद सिंधु का बिंदु तो आनंद ही प्राप्त करना चाहेगा ना मेरे भाई। लेकिन सुख के लिए काम करते हैं फिर भी दुख मिलता है, क्यों? क्योंकि जहां से सुख की आस करनी चाहिए वहां से नहीं करते मेरे भाई। अब नमक की दुकान में जाकर के चीनी चाहोगे तो चीनी कैसे मिलेगी? हाँ, नमक भी सफेद है, चीनी भी सफेद है,
कोई सफेद नमक को चीनी समझ करके बड़े प्रेम से भी लेकर के आएगा तो भी वो नमक खारा ही लगेगा, और चीनी कोई बिना प्रेम के भी लेकर के आएगा, छीन करके लाएगा तो भी चीनी मीठी ही लगेगी। ऐसी सजनों, ये दुनिया वाले नमक की दुकान है और परमात्मा चीनी की दुकान है। मानो परमात्मा से हम लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, अगर बिना मन के भी नाम लेंगे तो भी हमें सुख ही मिलेगा, मिठास ही मिलेगा, और दुनिया से चाहे हम कितना भी प्रेम कर लें लेकिन सजनों नमक की तरह कड़वाहट ही मिलेगी, कभी मिठास मिल नहीं सकती, क्योंकि संसार का नाम है दुखालय। संसार एक नदी की तरह है, आहा, संसार है एक नदियां, सुख दुख दो किनारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे, जाए तो कहाँ जाए हम बहती धारे, जाए तो कहाँ जाए सुख बहती धारे। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। जाए तो कहाँ जाए हम बहती धारे, जाए तो कहाँ जाए हम बहती धारे। जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। संसार है नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, जाए तो कहाँ जाए हम बहती धारे हैं, हम बहती धारे हैं। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, ऐसी सजनों इस संसार के भी दो किनारे हैं। एक किनारे का नाम है सुख, एक किनारे का नाम है दुख। नदी का जो पानी बह रहा है उसकी मजबूरी है, वो कहीं नहीं जा सकता, उसे दोनों किनारों से टकराते हुए बहना पड़ेगा। कभी सुख रूपी किनारे से टकराएगा, कभी दुख रूपी किनारे से टकराएगा, और पानी ऐसे ही बहता जाएगा। हमारा जीवन भी सजनों कभी दुखमय कभी सुखमय इन किनारों से टकराता हुआ चल रहा है, जा रहा है, चल रहा है, लेकिन हम आनंद सिंधु के बिंदु हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं। भगवान आनंद के धाम हैं, आनंद के धाम हैं, आनंद के धाम में और आनंद में क्या अंतर है? देखो उदाहरण से समझो, एक होता है बिजली घर और एक होती है घर घर में बिजली। घर घर में जो बिजली है वो कहां से आ रही है? बोले बिजली घर से आ रही है। तो एक है बिजली घर, एक है घर घर में बिजली, तो एक तो आप और हम, हमारे अंदर जो आनंद है वो तो मानो घर घर में बिजली की तरह है, और जो बिजली घर है ऐसे जो भगवान है जो आनंद का धाम है वो बिजली घर की तरह है। कि दुनिया में कोई भी आनंद हमें कहीं से मिलता है या दिखाई देता है वो उस आनंद सिंधु जो आनंद का धाम परमात्मा है
वो वहीं से आता है, बाकी कहीं से नहीं आता। जैसे बिजली बिजली घर से ही आती है, अगर वहां से बिजली कट जाए तो फिर घर घर की बिजली चली जाती है। परमात्मा आनंद के सिंधु हैं, हम और आप आनंद के बिंदु हैं। और सजनों, हमारे जीवन में ये तड़फ, हमारे जीवन में ये परेशानी जब तक चलती रहेगी, कब तक? बोले जैसे ये जो पानी की बूंदें बरसती है, कभी देखना आप ये कहां से आई, बोले ये समुद्र से आई। और ये बूंदें जब धरती पे गिरती है तो तड़फती है, कब तक तड़फती है? बोले जब तक ये बूंदें जहां से आई हैं वहां वापस नहीं चली जाती, तब तक ये बूंदें तड़फती रहेगी, दौड़ती रहेगी, भागती रहेगी। और जहां से आई है वहां जब चली जाती है तो तड़फ भाग दौड़ समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए कि जब बूंद पानी बनकर के, बूंद बनकर के ये पानी धरती पर पड़ा तो देखना बूंद छटपटाई, छटपटाती हुई बूंद नाली बनी, नाली से वो नाला बनी, नाला से वो नदी बनी, नदी से वो महानदी बनी। और महानदी बनने के बाद भी दौड़ती रही, दौड़ती रही, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में जाकर के समाहित हुई, वैसे महाराज वो गंभीर हो गई, उसका दौड़ना समाप्त हो गया। ऐसे ही ये जो आत्मा उस परमात्मा रूपी सिंधु से निकल करके आई और दुनिया के अंदर में महाराज छटपटा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बोले कब तक छटपटाते रहेंगे? बोले जब तक ये आत्मा रूपी बिंदु उस परमात्मा रूपी सिंधु में नहीं मिल जाता, तब तक हमारी तड़फ समाप्त नहीं हो सकती। और जब ये बिंदु उस सिंधु में मिल जाएगा तो सिंधु में मिलते ही वो तड़फ समाप्त हो जाएगी। मेरे भाई, तड़फ समाप्त हो जाएगी। और वो परमात्मा ही आनंद के सिंधु हैं, आनंद के धाम हैं, बाकी सजनों और कहीं आनंद है ही नहीं। और जिसने परमात्मा के नाम में आनंद प्राप्त कर लिया, मीरा कबीरा सूरदास रहीमदास की तरह, सजनों फिर चाहे महल हो या नहीं हो, फिर भी उसे आनंद की अनुभूति हुई है। फिर चाहे 56 भोग हो या नहीं हो, फिर भी उसे आनंद की अनुभूति हुई है। आज हम महल में आनंद खोज रहे हैं, आनंद महल में नहीं है। हम 56 भोग में आनंद खोज रहे हैं, आनंद 56 भोग में नहीं है। हम पति और पत्नी, मित्र और दोस्तों में आनंद खोज रहे हैं, मित्र इष्ट और पति पत्नी में आनंद नहीं है। मेरे भाई, आनंद जहां है वहां हम पहुंच नहीं पाते हैं, और इसीलिए हम रोते रहते हैं। जिसने उस आनंद की खोज कर ली, मेरे भाई, वो हर घड़ी में प्रसन्न रहता है, हर घड़ी में मुस्कुराता रहता है, और हर घड़ी में कहता है आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। और शुभ कर्म, शुभ कार्य हम जीवन में निरंतर करते रहेंगे। और सजनों, उसी शुभ कार्य के उद्देश्य से इस कथा, श्री राम कथा गोशेवार्थ जो चल रही है, और गोशेवार्थ इस कथा में आप और हम सब डुबकी लगा रहे हैं। नामकरण संस्कार संपन्न हुआ मेरे प्रभु का। गोस्वामी जी महाराज ने नामकरण संस्कार का जब कर्म रखा तो सबसे पहले राम जी का नाम रखा, फिर भरत जी का, अब फिर बड़े और छोटे के अनुसार तो नाम आना चाहिए शत्रुघ्न जी का।
और फिर आना चाहिए। राम, भरत, लक्ष्मण और सबसे छोटे हैं शत्रुघ्न। क्रम तो ये होना चाहिए, सबसे नीचे शत्रुघ्न जी का नाम आना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी ने जो क्रम रखा वो कैसे रखा, पहले राम जी का नाम, फिर भरत जी का नाम, और फिर नामकरण किया शत्रुघ्न जी का। लक्ष्मण जी का नामकरण सबसे अंत में किया, लास्ट में किया, सबसे लास्ट में। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि आपने अंत में लक्ष्मण जी का नाम क्यों किया भाई, सबसे बड़े राम जी हैं, उनसे बड़े छोटे भरत जी हैं, उनसे छोटे लक्ष्मण जी हैं, उनसे छोटे शत्रुघ्न जी हैं, तो पहले शत्रुघ्न जी का नामकरण कर दिया आपने, बाद में आपने लक्ष्मण जी का किया। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो भैया, लक्ष्मण जी कौन है, किसका अवतार है लक्ष्मण जी, शेष का। और शेष कहाँ रहते हैं, सबसे नीचे धरती के, सबसे नीचे कौन है, शेष। शेष पर सारी धरती टिकी हुई है। तो इसलिए ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के नाम में ही उत्तर है। लक्ष्मण जी शेष का अवतार है, इसलिए सबसे लास्ट में, शेष लास्ट जो शेष बचता है उसमें नामकरण संस्कार किया। दूसरी बात, अगर शत्रुघ्न जी का लास्ट में नाम करते तो राम और लक्ष्मण के बीच में शत्रुघ्न जी आ जाते, और लास्ट में लक्ष्मण जी का नाम किया तो उसके बाद में फिर किसका नंबर आता है, राम जी का। यानी लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे तो प्रभु के चरणों के समीप रहने दो, लक्ष्मण जी कहते हैं चाहे मेरा नाम बाद में आ जाए लेकिन मुझे प्रभु के चरणों के समीप ही रहना अच्छा लगता है, इसलिए लक्ष्मण जी के नाम का बाद में जिक्र किया गया। बहुत सुंदर महाराज मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धरे नाम गुरु हृदय बिचारी, चारों बालकों के नामकरण संस्कार हुए। प्रभु धीरे धीरे महाराज बड़े होने लगे, पीली जुगलिया पहन करके घुटमन घुटमन भगवान चल रहे हैं, सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, और माँ बड़ी प्रसन्न हो रही है, महाराज बड़ी प्रसन्न हो रही है लाला के बाल स्वरूप को देख करके। काम कोट छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान भगवान का वो श्याम जो विग्रह है वो दिखाई देता है, और उस पे पीली पीली झुगलियां महाराज ऐसी शोभा पा रही है जैसे नीले नीले अंबर में, और वो पीली पीली बिजली चमक रही हो महाराज, ऐसी शोभा पा रही है सुंदर। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सके भव बंधन छोरी। श्री रघुनाथ जी से विमुख रह करके अगर कोई मनुष्य चाहे कि मैं भव बंधन से छूट जाऊं, तो गोस्वामी जी कहते हैं उसका भव बंधन से छूटना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यानी भव बंधन से अगर छूटना है तो भगवान के सन्मुख रहना पड़ेगा, विमुख नहीं। भगवान के विमुख रह करके आप भव बंधन से छूट नहीं सकते महाराज। भगवान की जो माया है वो माया भी भगवान के नाम से भय खाती है। संसार के चराचर जीवों की बात तो छोड़ो, और जिस परमात्मा के भय से माया भयभीत होती है, जिस परमात्मा के नेत्रों के इशारे मात्र से प्रलय आ जाती है, उन परमात्मा के नेत्रों में माँ कौशल्या चंदन महाराज वो काजल लगा रही है, माथे पे माँ कौशल्या चंदन लगा रही है। भ्रुकुटी विलास नचावई ताही, वो परमात्मा सारे संसार को अपनी महाराज भोयों के इशारे पे नचाते हैं, सारी दुनिया नाच रही है। हाँ, माता कौशल्या अपने पुत्र के प्रेम में बड़ी प्रसन्न है।
एक दिन की बात है। एक बार जननी माता कौशल्या अपने लाला को नहला दुला करके सुंदर वस्त्र पहना करके पलना में सुला करके आई और मन में सोचा भगवान को भोग लगा दूं। रसोई घर में गई, सुंदर पकवान बनाए, बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवान बनाने के बाद ठाकुर जी के मंदिर में भोग लगाने के लिए गई, पर्दा लगाया, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर भोग लगाओ। और रसोई में किसी काम के लिए गई और जब वापस आकर के देखती है तो क्या देखती है कि जिस लाला को मैं पलने में सुला करके आई थी वो लाला मंदिर में बैठ करके और प्रसाद ग्रहण कर रहा है। भैया बोली, ये क्या, मैं तभी तो पलने में छोड़ के आई थी इसको। माँ दौड़ करके महल में जहां पलना था वहां गई तो वहां क्या देखती है, वहां भी महाराज बालक पलने में सो रहा है। यहां वहां दुई बालक देखा, यहां भी बालक वहां भी बालक। मन में सोचने लगी, कोई मेरी बुद्धि का भ्रम तो नहीं हो गया, ये हो क्या रहा है। माता अकुला गई, व्याकुल हो गई, ये हो क्या रहा है। तब भगवान मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी माता को अपना अखंड रूप दिखाया, अपना वो अखंड अद्भुत। जब मां को रूप दिखाया जिसमें एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, वो रूप माया को दिखाया तो मां हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु ये सब क्या है। बोले, माता जी आपने तो कहा था कि जो आपका ये अखंड स्वरूप है इसका मुझे ध्यान रहे, इसलिए ध्यान दिलाया है। तो माँ बोली, प्रभु इस अखंड रूप में वो आनंद नहीं है जो आपके बाल रूप में है, इसलिए प्रभु अब मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ। बार बार कौशल्या विनय करई करी जोरी, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तो। हे प्रभु, ये माया अब मुझे कभी आपकी नहीं व्यापे। भगवान ने कहा तथास्तु। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान जब धीरे धीरे बड़े हुए, क्रीड़ाएं करने लगे तो कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, गेंद की क्रीड़ा। तो सजनों, कोई भी खेल खेलते हैं तो दो पार्टी होती है, एक पक्ष एक विपक्ष। अब राम जी के विपक्ष में कौन जाए, एक तरफ तो राम जी हैं, दूसरी तरफ राम जी के विपक्ष में खड़ा हो कौन। तो लक्ष्मण जी ने सोचा, कहीं राम जी मेरे को नहीं कह दें। तो लक्ष्मण जी पहले ही राम जी के पास आके बोले, भैया मैं आपके विपक्ष में नहीं जाऊंगा, जीते जागते छोड़ो, मैं तो सपने में भी आपके विपक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं भी, तुम मत जाओ। अब राम जी ने मन में सोचा, विपक्ष में जाएगा कौन। तो राम जी ने भरत जी की तरफ देखा और भरत राम की छाया है। तो जैसे ही भरत जी की ओर देखा, भरत जी महाराज ने बिना कुछ कहे और राम जी की आंखों के इशारे से समझ गए कि मेरे प्रभु राम जी चाह रहे हैं कि मैं विपक्ष में जाऊं। और राम जी के चाहने से और मन न होते हुए भी, चाहते तो पक्ष थे भरत जी भी, पक्ष में रहना चाहते थे, लेकिन मेरे राम की इच्छा है कि मैं विपक्ष का पात्र बनकर के नाटक करूं। तो भरत जी महाराज विपक्ष में जाकर के खड़े हो गए। आहा, ऐसे हैं भरत जी महाराज। किसी ने कहा, भरत जी आप राम जी के विपक्ष में खड़े हुए, अरे राम जी से आपको मिला क्या, आप राम जी से इतना प्रेम करते हैं और फिर भी राम जी ने आपको विपक्ष में खड़ा कर दिया, आपको राम जी से मिला क्या। भरत जी कहते हैं, मुझे तो वो मिला जो पक्ष वालों को नहीं मिला, जो मैं विपक्ष में होकर के प्राप्त कर लिया। क्या मिला? बोले, एक तो प्रभु की सेवा,
बोले वो तो आप पक्ष में रह के भी कर सकते थे। बोले पक्ष में रह करके सेवा तो कर सकता था, लेकिन पक्ष में रह करके भगवान के दर्शन नहीं कर सकता था। अगर मैं विपक्ष में रहा तो निरंतर मुझे किसके दर्शन होते रहे? राम जी के। कितना सुंदर भाव भरत जी ने प्रकट किया है कि राम के विपक्ष में रह करके मैं निरंतर मेरे प्रभु के दर्शन करता रहा। अगर राम के पक्ष में होता तो विपक्ष में किसी और के दर्शन करने पड़ते, तो मेरा प्रभु की क्रीड़ा भी संपन्न हो गई और मेरा जो प्रभु का दर्शन का काम था वो भी पूरा हो गया। राम जी महाराज ने गेंद को ठोकर मारी और जब राम जी ने गेंद भरत जी के पास में पहुंची तो भरत जी महाराज ने कस करके ठोकर मारी महाराज गेंद के ऊपर। गेंद वापस राम जी के पास में आई तो अब की बार राम जी ने उस गेंद को ठुकराया नहीं, गेंद को राम जी ने पकड़ लिया। किसी ने भरत जी से कहा, भरत जी आपने गेंद को इतना जोर से ठोकर मारा इसलिए मारा कि आप राम जी से जीतना चाहते हो? भरत जी ने कहा, मैं गेंद को ठोकर इसलिए नहीं मारा जोर से कि मैं राम जी से जीतना चाहता हूं। तो फिर बोले, गेंद जो है वो एक जीवात्मा की तरह है और ये जीवात्मा परमात्मा के चरणों को छोड़ करके और संसार की ओर आ रही है, तो मैंने एक गुरु होने के नाते उसे जोर से ठोकर मार करके कहा, अरे मूर्ख तू इधर संसार की ओर क्या आ रहा है, तुझे जाना है तो राम जी के चरणों में जा, क्योंकि कल्याण तो तेरा वहीं होगा। और मैंने वापस उसे प्रभु के चरणों की ओर मोड़ दिया। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने उस गेंद को ठोकर क्यों नहीं मारी, वापस आपने पास क्यों रख लिया? तो भगवान बोले, मैं ठोकर तो मार देता लेकिन जिस गेंद को, जिस जीवात्मा को मेरे भक्त, मेरे प्रिय भरत ने मेरे पास में भेजा हो, मैं उसे ठुकरा नहीं सकता, मैं उसे वापस ठुकरा नहीं सकता। मानो भरत जी कहते हैं, प्रभु आप जिसको ठुकरा दोगे तो फिर उसे अपनाएगा कौन, गले लगाएगा कौन? भरत जी कहना चाहते हैं कि जिसको भगवान ठुकरा देते हैं उसे कोई गले नहीं लगाता, और जिसे भगवान गले लगा लेते हैं उसे सब गले लगा लेते हैं। बहुत सुंदर सजनों क्रीड़ा कर रहे हैं, वज्र कंदुक क्रीड़ा भगवान ने की। सजनों जल कंदुक, अश्व कंदुक, गज कंदुक और अंत में होती है वज्र कंदुक। ये कथा रामचरितमानस में नहीं है, दक्षिण के ग्रंथों में, जो दक्षिण की रामायण है ना उसमें है ये कथा वर्णन। मैं आपको बीच में सुना देता हूँ, अभी बाल लीला चल रही है, कल भगवान का हम लोग विवाह का आनंद लेंगे, तो बाल लीला में आपको मैं दक्षिण भारत की रामायणों में जो लीला है उसका वर्णन सुनाऊं। कंदुक क्रीड़ा, कंदुक क्रीड़ा माने वज्र की बनी हुई गेंद। सजनों उस गेंद का हल्का सा भी किनारा अगर लग जाए तो क्रीड़ा करने वाला वहीं समाप्त हो जाए, इतनी खतरनाक गेंद होती है। सबसे लास्ट में इस क्रीड़ा को किया जाता है। भगवान ने जब कहा कि मैं कंदुक क्रीड़ा, वज्र कंदुक क्रीड़ा करूंगा, तो सब घबरा गए महाराज। कौशल्या माता भी घबरा गई, सुमंत जी भी घबरा गए। लास्ट में निर्णय ये हुआ, अगर केकई माता इसकी हाँ कर देती है तो बालक वज्र कंदुक खेलेंगे। और सजनों केकई माता तो राजनीति में बड़ी निपुण है। केकई माता ने कहा, हाँ हाँ बालक क्यों नहीं करेंगे वज्र कंदुक, बालक वज्र कंदुक क्रीड़ा करेंगे। तो सबने कहा केकई माता से कि हे केकई माता, छोटे छोटे बालक वज्र की गेंद से खेलेंगे। केकई माता ने कहा, चिंता मत करो, मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है। केकई माता ने अपने पियर से, सजनों वज्र की कंदुक का कोई प्रभाव नहीं हो ऐसे वस्त्र बना करके मंगवा रखे थे और सब बालकों को वो वस्त्र पहना दिए। और वज्र कंदुक क्रीड़ा किस पर बैठ के कर रहे हैं? सिंह शार्दुल जानते हो, नाम सुना है? अगर आपने नहीं देखा हो, नाम नहीं सुना हो, तो कभी आप जगन्नाथ पुरी गए हो तो जगन्नाथ पुरी के दरवाजे पर
सिंह शार्दुल का चित्र लगा हुआ है, जिनके पंजों में हाथी, यानी जो हाथी को लेकर भी आसमान में उड़ जाए, उसका नाम है सिंह शार्दुल। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो।